15,000 साल से भी कुछ अर्से पहले हिमालय के ऊपरी भाग में एक योगी प्रकट हुए। कोई नहीं जानता था वो कहां से आए थे या उनके पूर्वज कौन थे, लेकिन वो बड़े ही अद्भुत थे, इसलिए लोग वहां जमा हो गए। उन्होंने इंतजार किया, उन्होंने सोचा कि शायद वो कोई चमत्कार दिखाएंगे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं किया, बस यूं ही बैठे रहे बिना हिले डुले। लोग चले गए, बस सात लोग ही रुके रहे। इन सातों ने ही ये पहचाना कि ये एक अद्भुत चमत्कार है, क्योंकि केवल वही व्यक्ति बस यूं ही बैठे रह सकता है जो भौतिक प्रकृति से परे जा चुका हो। फिर उन्होंने उनसे प्रार्थना की, आप जरूर कुछ ऐसा जानते और अनुभव कर रहे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, कृपया हमें भी सिखाइए। तब उन्होंने उन्हें तैयारी के कुछ सरल तरीके बताए और कहा कि आप लोग तैयारी करें, देखते हैं। वो तैयारी करते रहे, महीने सालों में बदल गए और साल दशकों में। 84 साल बीत गए। एक दिन संक्रांति का दिन आया। इस दिन सूर्य और पृथ्वी का संबंध बदल जाता है। जब ये परिवर्तन होते हैं तब हर योगी अपने भीतर कुछ सुधार करता है, क्योंकि उस समय आपके शरीर के बारे में कुछ चीजें बदल जाती हैं। तो ऐसा करते समय उन्होंने देखा कि ये सातों लोग चमकते हुए पात्र बन गए थे। 84 साल वो इन सातों को पूरी तरह से भूल गए थे। वो वहीं थे, अब भी तैयारी कर रहे थे। फिर चूंकि कोई भी उनका नाम नहीं जानता था, उन्होंने उन्हें आदि योगी कहा। आदि योगी यानी प्रथम योगी। अब चूंकि सूर्य दक्षिणायन में प्रवेश कर रहा था, वो भी दक्षिण की तरफ मुंह करके बैठ गए। इस तरह पहले गुरु का जन्म हुआ और उन्हें आदि गुरु भी कहा गया। इस दिन को सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता था, क्योंकि इस दिन मानवता को पहली बार ये याद दिलाया गया कि प्रकृति के साधारण नियम हमेशा के बंधन नहीं है। अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आप इनके परे जा सकते हैं। उन्होंने सिर्फ ये विचार ही नहीं दिया, बल्कि वो तरीके भी बताए जिससे ये संभव हो सकता था। और जब इन सातों को आत्मज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने सातों को दूर दराज के इलाकों में जाने के लिए कहा। एक को उन्होंने मध्य एशिया भेज दिया, एक को उत्तर अफ्रीकी क्षेत्र की ओर, एक को दक्षिण अमेरिका और एक को सुदूर पूर्वी एशिया भेजा। एक वहीं आदि योगी के साथ रुक गए, एक उन इलाकों में चले गए जिन्हें आज हम भारतीय हिमालय के रूप में जानते हैं, एक को उन्होंने दक्षिण भारत भेज दिया, और वो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, वो अगस्त्य मुनि हैं। अगस्त्य मुनि विंध्याचल के दक्षिण की ओर आए। उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि विश्व के इस हिस्से में आध्यात्मिक प्रक्रिया ही हर किसी के जीने का सहज तरीका बन गई। इन सातों ने योग के सात अलग अलग आयामों का प्रसार किया, और आज हजारों सालों के बाद भी आप इस ग्रह पर मौजूद हर सभ्यता में उनके कार्यों और योगदान की झलक देख सकते हैं।